नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूँ। आपके लिए लेके आया हूँ एक नई रहस्यमय घटना, जिसके बारे में बहुत लोग ये कहते हैं कि यह रहस्यमय घटना हमेशा से यहाँ होती आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं द संतोषी सरन चैनल। आप देखने वाले हैं इस वीडियो में कि एक ऐसा मंदिर जहाँ पर एलियन के जहाज आया करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको लगेगा ये मजाक है, पर ऐसे बात नहीं है दोस्तों। इस एपिसोड में आप देखने वाले हैं एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में, एक ऐसे रहस्यमय स्थान के बारे में जहां अक्सर एलियंस प्लेन देखे जाते हैं। आप इसमें देखने वाले हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जो कि बहुत ही विशेष है, जो श्रीलंका में है। जी हाँ दोस्तों, उस मंदिर का नाम है सोमवती मंदिर, जो एक बौद्ध मंदिर है, जो एक बौद्ध स्तूप है। वह प्लेन साफ तो नहीं दिखते, पर वह प्लेन लगभग रोशनी के आकार में दिखते हैं, जो अक्सर दिखाई देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ श्रीलंका के एक सोमवती मंदिर के बारे में, जो कि एक बौद्ध मंदिर है, एक बौद्ध स्तूप है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, जो वहाँ के सरकारी अथॉरिटी भी उस बात से एग्री करते हैं कि हाँ, यहाँ पर यह घटनाएँ घटती हैं। साथ ही इसको पुख्ता बताने के लिए वहाँ के कई अधिकारियों द्वारा, जो अच्छे पदों पर विराजमान हैं, उन्होंने इस घटनाओं की फ़ोटो तक ली है और बाकायदा इस फोटो को पोस्टर बनाकर उस मंदिर के पास लगाया गया है, ताकि लोगों को यह पता चले कि हाँ, यहाँ पर यह घटनाएं घटती हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप वहाँ जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि बहुत सारे पोस्टर्स में आपको ऐसी तस्वीरें, आपको ऐसी फ़ोटोज़ मिलेंगी जो कि यह दिखाती है कि उस मंदिर के ऊपर या आसपास कुछ ऐसे प्रकाश स्रोत घूम रहे हैं जो कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल दिखाई देते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, यह तो देखने वाली बात है, जो वैज्ञानिकों द्वारा खोजी जाएगी। पर इस समय तक की यह सच्चाई अवश्य है कि हाँ, वहाँ पे ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसी प्रकाश के स्रोत अक्सर आकाश में घूमते हुए दिखते हैं, जिन्हें लोग फोटो खींच कर वहाँ पर दिखाते हैं। वहाँ के एक संसदीय मंत्री जया विक्रमा परेरा द्वारा खींची गई तस्वीर भी लगी हुई है, और वह स्वयं ही बताते हैं कि हाँ, उन्होंने इस फोटो को खींचा है और वह उन्होंने अपने आँखों से इस घटना को देखा है कि वहाँ के मंदिर के स्तूप के ऊपर कुछ प्रकाश पुंज बहुत समय तक चक्कर लगा रही थी और बाद में वह गायब हो गई। वह कहाँ से आई, कहाँ गई, इसका कोई ठीक ठीक प्रमाण नहीं है। यह एक बौद्ध मंदिर होने के कारण, बौद्ध स्तूप होने के कारण वहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं, और उनके द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गई है कि हाँ, यहाँ पर एक निश्चित समय पर यह घटना घटित होती है। दोस्तों, यह सोचने वाली बात है कि कई बौद्ध मंदिर श्रीलंका में हैं। लगभग 6000 से अधिक बौद्ध मंदिर सिर्फ श्रीलंका में हैं। पूरे विश्व में अनगिनत बौद्ध मंदिर बने हुए हैं, पर हर जगह पर ऐसी घटनाएँ देखने को नहीं मिलती, जबकि लगभग बौद्ध मंदिरों का डिजाइन औसतन एक जैसा होता है। पर इस मंदिर में ऐसा खास क्या है? इस बौद्ध स्तूप की यह खासियत है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध का दांत रखा हुआ है। कुल विश्व में 8 ऐसी बौद्ध मंदिरें हैं जहाँ पर भगवान बुद्ध भगवान की दांत को रखा गया है, सुरक्षित रखा गया है। पर यह दांत इसका कारण नहीं है, क्योंकि बाकी 7 मंदिरों में ऐसी घटनाएँ नहीं घटती। तो इस मंदिर में ऐसा खास क्या है? जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप अंत तक देखिएगा तो आपको कुछ बातें समझ में आएंगी, जो मुझे लगता है कि एक वैज्ञानिक कारण हो सकती है ऐसी घटनाओं के लिए। तो आप इस दोस्तों, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आते हैं अपने मुद्दे पर। जी हाँ दोस्तों, यह मात्र एक श्रीलंका का ऐसा मंदिर है जहाँ पर यह घटनाएँ बहुत सालों से दिखती आ रही हैं। ऐसा इस मंदिर में क्या है, तो मैं बताता हूँ आपको। इस मंदिर में ऐसा एक विशेष चीज़ जो मंदिर के स्तूप के ठीक ऊपर लगा हुआ है, वो है एक बहुत बड़ा क्रिस्टल, जो कि बहुत ही प्रभावशाली क्रिस्टल है। और भी बौद्ध मंदिरों में क्रिस्टल्स लगे हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह मात्र एक ऐसा क्रिस्टल है जिसे स्वयं भगवान बुद्ध ने प्रयोग किया था नाग लोगों से संपर्क के लिए। जी हाँ दोस्तों, क्रिस्टल एक ऐसी संरचना होती है जो कि
कई रेडियो सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर सकती है और कई रेडियो सिग्नल्स को भेजने या पाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। पुराने समय में वैज्ञानिकों द्वारा क्रिस्टल रेडियो का निर्माण किया गया था, पर यह अधिक चला नहीं। इसका कारण था उस समय के पूंजीपति जो कि यह नहीं चाहते थे कि बिना विद्युत के चलने वाला ये रेडियो इतना पॉपुलर हो जाए कि उनकी बनाई गई बैटरीज और विद्युत को कोई खरीदे नहीं, और इस बात में वो सफल भी रहे। अंततः इस क्रिस्टल रेडियो को भुला दिया गया। पर आप जब ध्यान से वैज्ञानिक खोज करेंगे और जब साइंस के तथ्यों को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्रिस्टल रेडियो एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसी विद्युत की आवश्यकता नहीं पड़ती, ना ही बैटरी की, और वह भली भांति कुछ क्वाइल्स की मदद से और कुछ क्रिस्टल्स की मदद से विद्युत संकेतों को पा सकता है और उसे एम्पलीफाई करके आपको सुना भी सकता है। पुराने रेडियो सेट्स में क्रिस्टल का प्रयोग भली भांति किया जाता था, पर अब विद्युत द्वारा या बैटरी द्वारा चलने वाले रेडियो का उपयोग होता है। तो इससे हमें यह समझ में आता है दोस्तों कि इस क्रिस्टल का प्रयोग एक तरह से रेडियो सिग्नल्स को लाने और भेजने के काम में आता था, जो पुराने समय के लोगों द्वारा किया जा रहा था। ध्यान देने योग्य यह भी बात है दोस्तों कि यह मंदिर लगभग 2500 साल पुराना मंदिर है। देखने में तो यह नया लगता है क्योंकि इसकी बेहतरीन रखरखाव की जाती है और हर साल इसे नए पेंट से पेंट किया जाता है, पर यह इसके अगर इतिहास को हम देखें तो यह मंदिर लगभग 2500 साल पुराना है। स्वयं भगवान बुद्ध इस क्रिस्टल को व्यवहार में लाते थे, ऐसा भी प्रमाण लिखित रूप से हमें मिलता है। आप जब खोजेंगे तो आपको इसका प्रमाण मिलेगा। इस घटनाओं से हमें यह लगता है कि हाँ, इसमें कुछ बातें सही हो सकती हैं। अब इस क्रिस्टल के रखरखाव, इस क्रिस्टल का व्यवहार के बारे में हम थोड़ी बातें समझते हैं। किसी भी रेडियो संपर्क को लेने के लिए कुछ धातु के साथ जुड़ा होना आवश्यक होता है। जब आप इस मंदिर की ऊपरी संरचना को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ऊपरी संरचना में गोल रिंग नुमा कई धातु के चक्र बने हुए हैं, और सबसे ऊपर जब क्रिस्टल को लगाया जाता है एक निश्चित समय में, यहाँ के बौद्ध भिक्षु किसी भी खतरे का परवाह न करते हुए वहाँ ऊपर तक जाते हैं और इस क्रिस्टल को ठीक ढंग से एक निश्चित समय पर उसके ऊपर एक फ्रेम लगाते हैं जो लोहे का या किसी अन्य धातु पदार्थ का बना होता है। आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं? पुरातन काल से यह परंपरा चली आ रही है। बौद्ध भिक्षु ठीक से इसके बारे में तो नहीं बता पाते, पर उनके द्वारा यह कहा जाता है लगभग 2500 साल पुरानी यह परंपरा है जो वो निभाते हैं, और ठीक निश्चित समय पर ही उस धातु के चक्र के ऊपर उस क्रिस्टल को और उस रिंग को लगाया जाता है। इस समय यह लगता है कि इसके द्वारा जो प्योर सोने से बने हुए धातु के ऊपरी निचली भाग हैं जिसके बीच में उस क्रिस्टल को रखा जाता है और ढंग से उसे लगाया जाता है, और उसके ऊपर कुछ छल्ले की आकृति नुमा धातु रिंग्स लगाई जाती हैं। इससे हमें यह देखने में लगता है कि एक रेडियो संयंत्र जैसा कुछ बन रहा है। आप जब क्रिस्टल रेडियो को देखेंगे तो आपको इससे कुछ मिलता जुलता हुआ दिखेगा। मुझे ऐसा लगता है, यह मेरा ओपिनियन है, कि एक प्रकार का रेडियो सिग्नल भेजने का यंत्र है जो कि पुरातन काल से व्यवहार में लाया जा रहा है। पुराने काल में इस संयंत्र से दूसरे लोगों में संपर्क करने के लिए व्यवहार में लाया जाता था, पर आज के लोगों को यह बातें पता नहीं है, और इसी कारण से अन्य स्रोतों से आने वाले रेडियो सिग्नल्स जो कि हो सकता है कि किसी और ग्रह से या उपग्रह से आ रही हों, उनके द्वारा यह संदेश या इस तरह की विशेष फ्रिक्वेंसी को देखने के कारण ही अलग लोगों के वासी या अलग क्षेत्र के लोग इन्हें संपर्क करने के लिए यहाँ तक आते हों। यह संभव है दोस्तों, क्योंकि और भी घटनाएं कई जगह मिलती हैं। आपको ध्यान होगा दोस्तों, जब गीजा की पिरामिड बहुत नई थी उस समय आपको ध्यान होगा उसके ऊपर एक क्रिस्टल होने का प्रमाण मिलता है। हो सकता है कि उस क्रिस्टल का कार्य भी यही हो जो इस मंदिर पर इस क्रिस्टल द्वारा किया जाता है, और वहाँ भी गीजा के पिरामिड पर भी कई बार उपग्रही संरचनाओं का आने जाने का लेख हमें मिलता है। तो दोनों घटनाओं को मिलाते हुए हमें ऐसा लगता है दोस्तों कि हाँ, सचमुच परग्रही
आते होंगे या उनके द्वारा भेजे गए कुछ ऐसे विमान या ऐसे सैटेलाइट्स आते होंगे जो इसका सर्वेक्षण करते हैं और समय समय पर आते रहते हैं। आपको जानने योग्य एक और बात है दोस्तों, साल 2012 में ऑस्ट्रेलियाई वेधशाला ने भी बाहर से आने वाले रेडियो सिग्नल्स के बारे में दुनिया को बताया था कि बाहर से कई रेडियो सिग्नल्स हमें मिले हैं और वो हर बार कुछ अलग तरह के रेडियो सिग्नल्स होते हैं। अगर किसी प्राकृतिक घटनाओं द्वारा यह सिग्नल्स बन रहे होते और हमें मिल रहे होते तो आशा है कि यह रेडियो सिग्नल्स एक जैसे होते, पर ऐसा नहीं है। हर बार ये रेडियो सिग्नल्स की फ्रिक्वेंसी और डिजाइंस अलग अलग होते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि परग्रही हमसे बातचीत करना चाहते हों। पर ये इस रेडियो सिग्नल्स को अभी तक किसी ने डिकोड नहीं किया कि आखिर इस रेडियो सिग्नल्स में कहा क्या जा रहा है। इसी तरह की घटना 2014 में भी घटित हुई। वेतोरिको की एक वेधशाला ने भी बाहर से आने वाले रेडियो सिग्नल्स के बारे में दुनिया को बताया था और वो रेडियो सिग्नल्स भी अलग अलग फ्रिक्वेंसी में आ रही थी और हर एक बार अलग पैटर्न्स में आ रही थी, जिससे ऐसा लगता है कि बाहर के दुनिया के कोई समझदार जीव हमसे बातचीत करना चाहता हो। उससे लगता है जैसे बाहरी दुनिया की समझदार जीव जाति या प्रजाति हमसे संपर्क करना चाहती हो। तो इन सब बातों से यही लगता है दोस्तों कि हमारे अलावे भी बाहरी दुनिया में बहुत सारी ऐसी घटनाएं और ऐसे चीज़ें या ऐसी जीव जाति रहते हैं, अभी हमें जानना बहुत बाकी है। इस मंदिर के बारे में ऐसी घटनाएं अक्सर होना इसका एक सबूत मात्र हो सकता है। तो हमें बताइएगा दोस्तों, इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली और कैसी लगी है वीडियो, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे और लोग भी इस वीडियो को देख सकें। आप अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और घंटी के बेल को क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आने वाले हर एक वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।